गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में आवर्त सारणी वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें मेंडेलीफ की आवर्त सारणी कंप्लीट हो गई थी। अब आपका अगला टॉपिक है मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के दोष। मेंडेलीफ की आवर्त आवर्त सारणी के दोष, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के दोष। ओके बच्चों, देखो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के पहला दोष था हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी कि ये फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाए या सेवंथ ए वर्ग में रखा जाए। समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में परमाणु भार के आधार पर अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए, लेकिन सारणी में यह व्यवस्था नहीं थी। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के विषय में यह पता नहीं चला कि यह थर्ड ए वर्ग से संबंधित है या थर्ड बी वर्ग से संबंधित है। ओके बच्चों, एक ही वर्ग के दो उपवर्गों ए और बी में संयोजकता को छोड़कर कोई समानता नहीं थी, फिर भी उनको एक ही वर्ग में रखा गया। तत्वों के बढ़ते परमाणु भार की पूर्णतः पालना नहीं की गई। कोबाल्ट को निकल से पूर्व, टेलुरियम को आयोडीन से पूर्व, आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया। उत्कृष्ट गैसों की स्थिति सही नहीं थी। आवर्तिता का कारण स्पष्ट नहीं था। समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया, असमान गुण वाले तत्व को एक ही वर्ग में रखा गया। ये मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के क्या थे? दोष थे। ओके बच्चों, तो देखो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के दोष, जिसमें पहला दोष है हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है कि यह फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाए या सेवंत ए वर्ग में। ओके बच्चों, दूसरा देखो, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिकों को परमाणु भार के आधार पर अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था सारणी में नहीं थी। यह व्यवस्था किसमें नहीं थी? सारणी में। चौथा देखो, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड
विषय में लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के विषय में यह पता नहीं चला कि यह थर्ड ए वर्ग से संबंधित है या थर्ड बी वर्ग से। पांचवा पॉइंट है, एक ही वर्ग के दो उपवर्गों ए व बी में संयोजकता को छोड़कर गुणों में कोई समानता नहीं है, फिर भी इनको एक ही वर्ग में रखा गया। मैंने आपको सारणी में सात वर्गों के दो उपवर्ग दिखाए थे, ए और बी, मेंडेलिव की आवर्त सारणी में दिखाए थे ना। तो एक ही वर्ग के दो उपवर्गों ए बी में संयोजकता को छोड़कर गुणों में कोई समानता नहीं है, फिर भी इनको एक ही वर्ग में रखा गया। अगला छठवां पॉइंट है, तत्वों के बढ़ते परमाणु भार की पूर्णतः पालना नहीं की गई, जैसे कोबाल्ट 58.9 को निकल 58.7 से पूर्व तथा टेलूरियम 127.6 को आयोडीन 127 से पूर्व आर्गन 39.9 को पोटेशियम 39 से पूर्व रखा गया। सातवां पॉइंट था, उत्कृष्ट गैसों की सही स्थिति नहीं है, उत्कृष्ट गैसों की स्थिति भी क्या नहीं है, सही नहीं है। अभी तीन पॉइंट और हैं। तो मेंडेलिव की आवर्त सारणी के दोष में पहला पॉइंट था, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है कि यह फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाए या सेवंथ ए वर्ग में। समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया, समस्थानिकों को परमाणु भार के आधार पर अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था सारणी में नहीं थी। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के विषय में यह पता नहीं चला कि यह थर्ड ए वर्ग से संबंधित है या थर्ड बी वर्ग से संबंधित है। एक ही वर्ग के दो उपवर्गों ए और बी में संयोजकता को छोड़कर
इनके गुणों में कोई समानता नहीं थी, फिर भी इनको एक ही वर्ग में रखा गया। तत्वों के बढ़ते परमाणु भार की पूर्णतः पालना नहीं की गई, जैसे कोबाल्ट का परमाणु भार तो 58.9 है और निकल का 58.7, लेकिन पहले कौन आता है? कोबाल्ट, जबकि आना कौन चाहिए? निकल। टेलुरियम का परमाणु भार तो 127.6 है और आयोडीन का 127, पहले कौन आता है? टेलुरियम, जबकि आना कौन चाहिए? आयोडीन। आर्गन का परमाणु भार 39.9 है और पोटेशियम का कितना है? 39, पहले कौन आना चाहिए? पोटेशियम, जबकि आता कौन है? आर्गन। परमाणु क्रमांक की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? परमाणु भार की, क्योंकि मेंडेलिव का आवर्त नियम किसके आवर्ती फलन था? परमाणु भार के। उत्कृष्ट गैसों की सही स्थिति नहीं है। अब देखो आठवां पॉइंट है मेंडेलिव की आवर्त सारणी के दोष का। आठवां पॉइंट है समान गुण वाले तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्ग में रखा गया। समान गुण वाले तत्व को भिन्न भिन्न वर्ग में रखा गया, जैसे कॉपर व मर्करी, गोल्ड व प्लेटिनम गुणों में एक दूसरे से काफी समानता, काफी समानता रखते हैं, फिर भी इनको एक ही वर्ग में, फिर भी इनको भिन्न भिन्न वर्ग में रखा गया। अगला नवा दोष है असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, जैसे सर्वाधिक सक्रिय धातु फर्स्ट ए वर्ग में व सर्वाधिक निष्क्रिय धातु फर्स्ट बी वर्ग में सर्वाधिक सक्रिय धातु फर्स्ट ए वर्ग में सर्वाधिक निष्क्रिय धातु फर्स्ट बी वर्ग में रखी गई है। तो असमान गुण वाले तत्वों को किस में रखा गया? एक ही वर्ग में। कौन से वर्ग में? फर्स्ट वर्ग में। समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया, कॉपर व मर्करी, गोल्ड व प्लेटिनम गुणों में एक दूसरे से काफ़ी समानता रखते हैं, फिर भी इनको किस में रखा गया? भिन्न भिन्न वर्गों में। और असमान गुण वाले तत्व को किस में रखा गया? एक ही वर्ग में। ओके बच्चों, अगला दसवां दोष है
आवर्तिता का कारण स्पष्ट नहीं है। आवर्तिता का कारण भी क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये हैं मेंडेलिव की आवर्त सारणी के दोष। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिकों को परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था सारणी में नहीं थी। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड के विषय में यह पता नहीं चला कि ये थर्ड ए वर्ग से संबंधित है या थर्ड बी वर्ग से संबंधित है। एक ही वर्ग के दो उपवर्गों ए और बी में संयोजकता को छोड़कर गुणों में कोई समानता नहीं है, फिर भी एक ही वर्ग में रखा गया। तत्वों के बढ़ते परमाणु भार की कोई पालना नहीं की गई। उत्कृष्ट गैसों की स्थिति सही नहीं है। समान गुण वाले तत्व को भिन्न भिन्न वर्ग में रखा गया और असमान गुण वाले तत्व को एक ही वर्ग में रखा गया। और आवर्तिता का कारण भी क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये है मेंडेलिव की आवर्त सारणी के दोष। अब देखो अगला टॉपिक है मेंडेलिव के संबंध में कुछ रोचक तथ्य। मेंडेलिव के संबंध में कुछ रोचक तथ्य देखो। मेंडेलिव के संबंध में कुछ रोचक तथ्य मेंडेलिव का जन्म, या पहले ऐसे कर लो, मेंडेलिव का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडेलिव था। इसका जन्म रूस के तोबाल्सक नामक स्थान पर सन 1834 में हुआ था। इसकी नियुक्ति पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे हुई थी। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री थी। 1890 में इन्होंने प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद में इसकी नियुक्ति माप एम बाट ब्यूरो में निर्देशक के पद पे हुई। जीवन के अंतिम क्षणों तक यह शोध के अनेक क्षेत्रों में कार्य करते रहे। सन 1907 में मेंडेलिव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मेंडेलिव के संबंध में कुछ रोचक तथ्य है। पहला तथ्य है मेंडेलिव का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडेलिव था। इसका जन्म किसका, मेंडेलिव का, रूस के तोबाल्सक नामक स्थान पर सन 1834 में हुआ था। इनकी नियुक्ति पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हुई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक
प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है। पांचवा पॉइंट है, इन्होंने 1890 में प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद यह इनकी नियुक्ति माप व बाट ब्यूरो में निर्देशक के पद पर हुई। जीवन के अंतिम क्षणों तक यह शोध के अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान करते रहे। सन 1907 में मेंडेलीफ की मृत्यु हो गई। ये है मेंडेलीफ के संबंध में कुछ रोचक तथ्य। मेंडेलीफ का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडेलीफ था। इसका जन्म रूस के तोबालसक नामक स्थान पर सन 1834 में हुआ था। इनकी नियुक्ति पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हुई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है। इन्होंने 1890 में प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद इनकी नियुक्ति माप व बाट ब्यूरो में निदेशक के पद पर हुई। जीवन के अंतिम क्षणों तक यह शोध के अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान करते रहे। सन 1907 में मेंडेलीफ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये है मेंडेलीफ के संबंध में रोचक तथ्य। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।